हॉलीवुड के क्लासिक एक्टर एंड कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की बेटी जोसेफिन चैपलिन का 13 जुलाई को पेरिस में निधन हो गया। जोसेफिन चार्ली और उनकी चौथी पत्नी ओना ओनील की बेटी थी। उनके परिवार ने शुक्रवार को मीडिया को इस बात की जानकारी दी है। पियर पाओलो पासोलिनी की द कैंटरबरी टेल्स के साथ जोसेफिन ने कई और हॉलीवुड फिल्म्स में काम किया है। अब ये दुखद खबर मिली है कि 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। वल आपको बता दें कि जोसेफिन चैपलिन कॉमेडी स्क्रीन लेजेंड चार्ली चैपलिन के 11 बच्चों में से छठी संतान थी। चैपलिन 1942 में जोसेफिन की मां ओनील से मिले और एक साल बाद उन्होंने शादी कर ली। चैपलिन के लाइफ पर लिखी किताबों के अकॉर्डिंग कॉमेडी स्टार को आखिरकार सच्ची खुशी मिल गई और ऐसा लगता है कि उन दोनों को अपना जीवन साथी मिल गया था। इस फैक्ट के बावजूद कि ऊना केवल 18 साल की थी और चार्ली 53 साल के। इस शादी के बाद जोसेफिन चैपलिन का जन्म हुआ। वेल, एक एक्ट्रेस के रूप में जोसेफिन ने मैन हेमन गोलान के पॉलिटिकल ड्रामा एस्केप टू द सन, लोदेओर देस फाउस, विटोरियो डी सिका और मॉरिस रोनेट के साथ जर्मन लैंग्वेज में जैक द रैपर में और डेनियल पैट्री की द बिग बॉय में काम किया। वो पहली बार स्क्रीन पर 3 साल की उम्र में नजर आई थी। फिलहाल उनकी फैमिली के लिए काफी दुख की घड़ी है। ईश्वर उनको इस दुख से उभरने की शक्ति दे।